अरे काली काली चोटी आयो, काली काली चोटी आयो, मुरैला जैसे कैसा हो केती का दिन आवारा हो गया, केती का दिन आवारा हो गया, बलमा पर देश हो केती का दिन आवारा हो गया, बलमा पर देश हो केती का दिन आवारा हो गया। क्या बात है? अभी पेपर वाला नहीं आया? न पेपर वाला आया, न साहब आए अभी। साहब तो आ गए। साहब नमस्ते। दशरथ जी। जी साहब। और वर्मा जी। जी साहब। ये बतलाइए कि चौकीदार कहाँ है? छोटे साहब आए? जी साहब आ गए। छोटे साहब। जी साहब। आप कोर्ट गए थे? जी साहब कोर्ट गए थे साहब। और मंगल सिंह के केस में क्या हुआ? ओ साहब, मंगल सिंह को जीवन कारावास हो गया साहब। आज ही की तारीख में मंगल सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है साहब। आज की तारीख? जी साहब। चौकीदार कहाँ है? वो चौकीदार वो साहब थाने के सामने खड़ा है साहब। अभी पेपर वाला नहीं आया। पेपर वाले का इंतजार कर रहा है साहब। साहब साहब पेपर आ गया। पेपर है चौकीदार? पेपर। हाँ एक बार अखबार है। अखबार? जी साहब देखो। आज से समझ लो जी, पेपर कहा जाता है, अखबार कहा जाता है। जी साहब, पढ़ा लिखा कम है साहब, थोड़े पढ़े साहब, यही सुबह हुआ तक। देखिए किसी दिन चक्कर में पड़ जाओगे तो ढेर पढ़ लोगे। जी साहब। और देखो जो हादसा हुआ है पेपर में आया है नहीं? देख रहा हूँ साहब। अहमदाबाद समाचार खोलो जल्दी। कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है। जीतने में के अनिल कुंबले ने 7 विकेट लिया। दोनों पारी में राहुल द्रविड़ के शानदार शतक। चौकीदार जी, हम तुमको बोलता है कि तुम अहमदाबाद समाचार खोलो और तुम खेल कूद समाचार पढ़ रहे हो। क्या कहा गया? नहीं साहब, पाकिस्तान से इंडिया जीत। वो मंगल सिंह के समाचार, वो मंगल सिंह के बारे में जो लिखा गया रिपोर्ट में दिया गया उसको जल्दी देखो, पेपर में आया है कि नहीं आया। अहमदाबाद समाचार। हाँ चौकीदार, हम खेल समाचार पढ़ते हैं। मुझे मालूम पड़ रहा है तुम खेल के बड़े शौकीन हो। हाँ साहब, सब छक्का मारते, मट्ठा मारी थी। मोहब्बत तो भी चौकीदार है तुम्हारा। साहब साहब ये देखो मंगल सिंह गहलोत का फोटो साहब। जी साहब। जी साहब। जी साहब। ये जले का निशान बराबर है साहब। जी साहब। अहमदाबाद से 2 किलोमीटर दूर करैनी ग्राम में भीषण आग लग जाने से 2 बच्चे जलकर राख हो गए और कुछ दूर पर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। मकान मालिक मंगल सिंह। जी जी साहब, यही इतना रिपोर्ट दिए थे साहब। ठीक है वर्मा जी। जी साहब। मंगल सिंह लाओ। छोटे साहब। जी साहब। दिल्ली तिहाड़ जेल ले जाते समय मंगल सिंह को ये पेपर दिखा लो आज देने। ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है साहब। उसके गांव का हंसता है। अरे उसी की घर की है साहब। हाँ ठीक है, बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं साहब, ये पेपर दिखला देंगे बस। आज मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम्हें आजीवन कारावास हो गया है और आज ही की तारीख में मुझे तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है। छोटे साहब। जी साहब। मंगल सिंह, वैसे तो तुम्हारी बहादुरी पर मैं बहुत खुश हूं, अगर ये इंग्लैंड होता तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी ना होती, लेकिन क्या करे, देहात का कानून और है। मंगल सिंह, आज ही की तारीख में हम दिल्ली के तिहाड़ जेल ले चलते हैं और जाते जाते ये अपने गांव की हादसा देख लो और ये फोटो पहचान लो। अहमदाबाद से 2 किलोमीटर करैनी गांव में भीषण आग लग जाने से 2 बच्चे जलकर राख हो गए और एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया।
मकान मालिक मंगल सिंह। फोटो पहचानो साहब, ये तो मेरे बीबी का फोटो है साहब, यहाँ तक मेरे घर का साहब, मेरे घर तक पहुँचाया यार साहब, मेरे दो बच्चे जल कर राख हो गए साहब, ये सब भगवान ये कैसे हो गया मालिक साहब, मेरे घर तक मैं अपने बच्चों की लाश देख लूँ कैसे हादसा गुजरा साहब, मेरे बीवी को कैसे मारा गया, मेरे घर तक पहुँचा जा मैं अपने बच्चों को देख लूँ सरकार दुआई साहब जी। मंगल सिंह मेरी बात सुनो, मंगल सिंह। हाँ साहब। कानून कानून होता है, आज ही की तारीख में मुझे तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है। हम तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल नहीं भेज देते हैं तो हमारी फोर्स सस्पेंड हो जाएगी। तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने के बाद हम वापसी में तुम्हारे गांव जाएंगे। साहब, इन सिपाहियों के साथ मेरे दरवाजे पर चला मैं बच्चों के सामने देख, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन, दुआई सरकार की मेरे दो दो बच्चे जल गए था, मेरे बच्चों को दिखाया जाए। मंगल सिंह या मालिक, मैंने क्या सुना भगवान, महाबतमीज है नाटक पर, कानून कानून होता है, हम वापस में तुम्हारे गाँव आएंगे और देखेंगे कि हादसा कैसा गुजरा। मेरे बच्चों को बर्मा जी, जिसको बर्मा जी छोड़ दो सरकार, मेरे बच्चों को दिखाया जाए। छोड़ साहब जी साहब, थाने की गाड़ी बिगड़ी हुई है समझे जी साहब, बर्मा जी या विश्वकर्मा जी को चौराहे भेजिए और कोई ट्रक वाले या गाड़ी वाले या जीप वाले को फौरन पकड़ कर मंगवाइए और इसी वक्त इस हरामजादे को दिल्ली तिहाड़ जेल भेजिए, ठीक है ना? ठीक है साहब। इसके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैं चल रहा हूँ। चले साहब, इसी वक्त, ठीक है ना? ठीक है साहब। दुआई सरकार की मालिक है, मेरे बच्चों से लाश दिखा दो साहब, मुझे ले चल करके बंद कर दो, लेकिन मैं अपने बच्चों की लाश देख लूं साहब, मेरे घर में कैसे आग लगी, मेरे बच्चे कैसे जले, कौन बीवी को मारा था। मंगल सिंह हमारे ऊपर भी साहब हैं, हमारा भी फर्ज है कि साहब के आदेश को ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमको बाइज्जत रिहा कर देते जी साहब। मंगल सिंह ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ओ वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब, चले जाओ रोड पर, ये थाने की गाड़ी तो गैरेज में पड़ी है। जी साहब। रोड पर कोई प्राइवेट गाड़ी वाले को यहाँ पर बुला ले आओ, उससे बता देना कि कैदी लेकर के दिल्ली की तिहाड़ जेल चलना है, बहुत जल्द चले जाओ रोड पर, और चलता हूँ वर्दी चेंज करके मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद में गाड़ी आ जाएगी तो मंगल सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल लेके चलेंगे, बहुत जल्दी जाओ साहब। वर्मा जी को भेज के गाड़ी बुला ले साहब। वर्मा जी को? जी साहब। तुम नहीं जाओगे क्या? इसलिए कि मैं गाड़ी बुला के लाता हूँ, भाड़ा मुझे देना पड़ता है, ना तो आप लोग थाने गाड़ी बनवाते हैं और ना कोई भाड़ा मिलता है सर। क्या कहा, भाड़ा तुमको देना पड़ता है? इसलिए मैं बुला के लाता हूँ सर। वो कौन ड्राइवर लोग हैं जो हम पुलिस वालों से भाड़ा मांगते हैं? तुम कड़ाई क्यों नहीं करते हो? कड़ाई तो करते हैं। ड्राइवर लोग तुमसे किराया मांगे, उस गाड़ी का नंबर नोट करके थाने में ले आओ, अंदर कर देंगे, निकालना भूल जाएंगे। ठीक है साहब। जो ड्राइवर किराया मांगे है, दग्गे मार की गाड़ियां बगैर परमिशन की चलाते हैं, एक दिन का मौका पड़ जाता है तो किराया मांगते हैं। मारो 25 लाख के बंद कर, मतलब कड़ाई से काम नहीं करते हो, ड्राइवर लोग किराया भाड़ा मांगते हैं। ओ वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, लेके आओ। ठीक है। वो विश्वकर्मा जी गाड़ी लाने गए हैं। यस सर। इनको लेके आओ, मंगल सिंह को। चौकीदार इधर आओ, जीदा इनको संभालो। आप देखो, विश्वकर्मा जी गए गाड़ी के लिए, अभी तक नहीं आए। नहीं साहब। और साहब वर्दी चेंज करने गए, अभी नहीं आए जी। मैं जा रहा हूँ, कोई गाड़ी के इंतजाम मैं खुद लेकर आऊंगा। मैं अकेले यहाँ पर हूँ। लेकर आओ, मैं मिल रहा हूँ ना। ठीक है साहब, चलिए आइए। कोई ट्रक वाले को या प्राइवेट गाड़ी पकड़ के लाओ साहब, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, चलिए आप। या मालिक, मैंने कितनी बड़ी दुनिया में गलती किया भगवान, कि मेरे घर में आग लगी, मेरे दो तो बच्चे जल गए, मैं अपने बच्चों की लाश तक नहीं देख सका प्रभु, ये मैंने कौन कर्म कमाही किया था। हमारे कर्म मक्का
मेरी हथकड़ी खुल गई, अब यहाँ से भाग कर पहले मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ। अब ये पुलिस वाले मुझे नहीं पा सकते हैं, भगवान मार भैया। अब यहाँ से भाग कर मैं अपने घर जा रहा हूँ मालिक। क्या बताएं, जब से छोटे साहब इस थाने में आए तब से उनके डर से ड्राइवर लोग इस रोड में लेके गाड़ी आना जाना ही बंद कर दिए। यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। चलता हूँ, किसी चौराहे पर गाड़ी मिलेगी तो लेके जाएंगे, नहीं जैसे होगा उसे साथ दिल्ली के हाथ पहुँचाएंगे। ओ ड्राइवर, गाड़ी लेके इधर आओ, एक कैदी दिल्ली तिहार लेके चलना है, जल्दी लेके आओ। मैं कह रहा हूँ जल्दी लेके आओ, नहीं छोटे साहब आएंगे तो उमर मारेंगे, तुम्हारी ड्राइवरी भूल जाएंगे। क्या बात है, किसी बातें कर रहे हो? देखिए साहब, वो ट्रक वाला खड़ा है, मैं बुला रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर देख रहा है सर। गाड़ी चला गाड़ी मारूंगा 25 लाख मंगल सिंह को लाओ, गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी लगा रहा, लगा गाड़ी जीता है। आप तुमको बोलता मंगल जी को गाड़ी में बैठाओ तो हर कड़ी में झोला लेके आ रहा है। छोड़ रहा जी साहब, मंगल सिंह को दिल्ली तिहाड़ जेल भेज कर वापस आ गए। ओ साहब, ओ ट्रक आ गई है साहब, ओ मैंने बोला कि मंगल सिंह को गाड़ी में बैठाओ तो देखता हूँ चौकीदार झोला लेके आ रहा है हर कड़ी में। साहब जीता है। मंगल सिंह कहाँ है? मैं गो आउट सर। अरे जो साहब कह रहे हैं उसको सुनो। मंगल सिंह कहाँ है? साहब मंगल सिंह जादूगर है, मंगल सिंह जादूगर है साहब, झोला बन गया। साहब जादूगर की बात नहीं है, हथकड़ी में ताला लगा हुआ है साहब, देखिए।
जी साहब। साहब आप ही सोचिए इसमें हमारी क्या कमी है साहब, सारी कमी हथकड़ी के साहब। मैं आगे आगे आ रहा था, वो पीछे पीछे आ रहा साहब, हथकड़ी ढीली थी, वो अपना हाथ निकाल कर चला गया और मैं चली आई। चले आए जी? हाँ चले आए साहब, चले आए साहब। छोटे साहब। जी साहब। ये दूसरा हादसा है। जी साहब दूसरा हादसा है साहब। ये गलती आपकी है, यदि एक एप्लीकेशन लिख कर वर्मा जी या विश्वकर्मा जी को दे दिए होते तो दूसरी हथकड़ी आ जाती। ओ, मुझे तो मालूम नहीं था साहब कि हथकड़ी ढीली हो गई है। खैर कोई बात नहीं है, मंगल सिंह कहीं गया नहीं है, यहाँ से अब फरार हुआ है तो गया होगा तो सीधे राज बहादुर सिंह के यहाँ गया होगा। हो सकता है साहब, हो सकता है। बहुत जल्द जी साहब, सब लोग मेरे साथ चलिए तेजी के साथ, नहीं तो राज बहादुर सिंह का भी मर्डर हो जाएगा। जी साहब इसी वक्त साहब। वर्मा जी। जी साहब। विश्वकर्मा जी। जी साहब। चौकीदार। जी साहब। सब कोई चलो साहब, सब लोग चलो, बहुत जल्दी तेजी से मेरे साथ आइए, दौड़ते हुए आइए। काबा साहब, काबा साहब, जब मंगल सिंह फरार हुआ तुमको मालूम नहीं पड़ा? मालूम तो पड़ गई बाहर। तो आवाज क्यों नहीं लगाया? आवाज लगाया अकेले रहे उठा दे मार, हम तो चिते नहीं जाए। और तुम अकेले थे? अकेले थे साहब। ओ विश्वकर्मा जी, वर्मा जी कहाँ गए थे? वहाँ गाड़ी बुलाने गए थे साहब। गाड़ी गए साहब वहाँ, ना विश्वकर्मा ना तो वर्मा ना तो ट्रांसफार्मर। ओ चौकीदार, ये किसी को मालूम ना पड़े कि मंगल सिंह फरार हुआ तो हमको मालूम पड़ा। जी साहब इसको मत बताना। ठीक है साहब। और मंगल सिंह फरार हुआ तो अच्छा हुआ, जान बेचारा बहुत परेशान है। परेशान है साहब। किसी से बताना मत। नहीं साहब। किसी से बताया नहीं? नहीं साहब, कैसे बताया नहीं। बहुत अच्छा किया जो किसी से बताया नहीं। कोई बात नहीं है, मंगल सिंह गया तो गया लेकिन हमको झोला दे गया। भगवान मेरे घर में कैसे आग लगी, मेरी तरफ गांव वाले मुंह करके बोल नहीं रहे हैं। मैंने कौन इतनी गलती किया, मैंने जमींदार के भाई को मार डाला, उसने मेरी बहन की इज्जत लूटा था, पूरा गांव मुझसे नाराज हो गया है, मालिक के घर में आग कैसे लगी कोई बोल नहीं रहे। भगवान भैया भैया गजब हो गया भैया। आशा भैया आपके घर में राज बहादुर जमींदार ने आग लगा दी। भैया क्या कहा? मेरे घर में राज बहादुर जमींदार ने आग लगाया? हाँ भैया। क्या बता सकती हो कि मेरे दोनों मासूम बच्चे वो कहाँ थे जिस वक्त घर में मेरे आग लगी? भैया दोनों बच्चे अंदर सो रहे थे, उन बच्चों का कोई पता नहीं है भैया। क्या कहा? घर में जब आग लगी तो मेरे दोनों बच्चे घर में सो रहे थे, और तुम्हारी भाभी? भैया भाभी अपनी जान बचा के भाग रही थी, जमींदार ने उन्हें दौड़ा के गोली मार दी भैया। यानी जमींदार ने दौड़ा कर गोली मारा है? हाँ भैया। आशा तुम यहाँ से अपने घर भाग जाओ, वरना अगर कहीं ये राज जमींदार को मालूम हो गया कि मंगल सिंह के चाचा की लड़की ने पूरी कहानी बताया है तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाग जाओ यहाँ से। अरे जमींदार साहब, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था तो मुझे मार डालते, लेकिन मेरे दोनों मासूम बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़े थे ठाकुर, जो मेरे घर में तुमने आग लगाई और मेरी दुनिया तुमने उजाड़ा है ठाकुर साहब। भगवान, जिसका जिस इंसान के प्रभु रूठ जाते हैं उसे संभालने वाला इस दहा में कोई नहीं। आज विधाता हम से रूठलबा मोरा बैरी करमेवा, आज विधाता हम से रूठलबा मोरा बैरी करमेवा, फूटल बा मोरा बैरी करमेवा। लागी आग जर गई घर के दीवारी, लागी आग जर गया, लागी आग जर गया घर खेती बार।
मारी नन्हवाई मारी गे मोरे बाप महादारी नन्हवाई मारी गे मोरे बाप आज घर हूँ सनातन आज घर हूँ सनातन टलबा मोरा बैरी करमवा टलबा मोरा बैरी करमवा आज विधाता हमसे रूठलबा मोरा बैरी करमवा टलबा मोरा बैरी जाओ जमींदार साहब जैसे मेरी बीबी को तुमने दौड़ाकर गोली मारा मेरे घर में आग लगाया दोनों बच्चों को जलाया तो मैं दुनिया में अब जी कर क्या करूंगा किसके लिए जीऊंगा भगवान अब मैं जमींदार साहब तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ जैसे मेरे दोनों बच्चों को तुमने जलाया ठाकुर मेरा परिवार उजाड़ दिया वैसे आज मुझे जान से मार डाला या तो मर जाऊंगा दोनों बच्चों का बदला चुका कराऊंगा राज बहादुर जी ये रहा ठाकुर राज बहादुर सिंह मंगल सिंह का घर जल गया उसकी पत्नी को दौड़ा के गोली मारा दोनों मासूम बच्चे भी जल गए अब मुझे करना क्या है अपना फेस बदल दूंगा और मंगल सिंह की इमारत में स्वयं कराऊंगा दुश्मन से दुश्मनी करने से ठाकुर कामयाबी नहीं होगा हम तीर से नहीं मारूंगा ना तलवार से मारूंगा ना बंदूक से मारूंगा मंगल सिंह तुम्हें नीर से मारूंगा हम कानून को अपने हाथों में नहीं दूंगा और अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाऊंगा किधर की तरफ है कौन होगा से मुझको पहचान ले तूने वीरान मेरा चमन कर दिया मेरे आने का मकसद भी तू जान ले अच्छा हुआ जो तुम आ गए मैं खुद आ रहा था कीतर की मौत आए तुम बहादुर किधर की तरफ है कौन होगा से मुझको पहचान ले तूने वीरान मेरा चमन कर दिया मेरे आने का मकसद भी तू जान ले अच्छा हुआ जो तुम आ गए मैं खुद आ रहा था गीदड़ की मौत आए तो भागे शहर गीदड़ की मौत आए गीदड़ की मौत आए तो भागे शहर जैसे तू आ गया मेरे फंदे में है बुरा तेरी गर्दन को तलवार से बहुत ताकत अभी मेरे पंजे में है हाथ में भी मेरे देखे तलवार है प्यास इसकी मुझे की तेरे रक्त से जान में तुझको जिंदा मैं छोड़ू नगी तेरी तकदीर है जो बच्चे वक्त से तुम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गया ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गया काम मुश्किल को आसान है कर दिया आज तुझको मिटा दूंगा संसार से आंधी के आगे जलता कहाँ है दिया कहीं से
इसे दिए मैं कमजोर इतना समझी एक चिरगी से देखो हलंका जली देख कर जिसमें ये खून है खालता दिल में आता है तोड़ू मैं तेरी नली। मंगल सिंह सुना होगा कि तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे दोनों मासूम जल के राख हो गए। तड़फड़ाओ नहीं कुत्ते की औलाद, दोनों मासूम बच्चे जलकर राख होंगे। आज मैं तुझे और तुम्हारी पत्नी को ठाकुर राज बहादुर से दौड़ा कर। ओ सर कुत्ता सामने आ। सुना मेरा भाई मारा गया शिवरात्रि के दिन। आज साले मैं तुम्हारे तीन टुकड़े करके छोड़ूंगा। आज तेरा घर जल गया। आज उन बच्चों की कसम मैं तुझे जिंदा रहूं तुम्हें मिटा दूंगा। रख प्रेम बंदूक रख। मंगा सिंह जो तू खेल खेलना चाहता है मैं खेल चुका हूं। तुम्हारी पत्नी को यही ठाकुर राज बहादुर सिंह दौड़ा की गोली मारा है, आज तुम्हें दौड़ा की गोली मारूंगा। तेरे खानदान की कसम है अगर गोली मारने के ठाकुर के बच्चे हो तो सीने पर गोली मारना पीठ पर नहीं। ठाकुर गिरे पौरार नहीं किया। मैं और ठाकुर का बच्चा हूँ कि सीने पर गोली चलाना और सीने पर गोली खाना सिखाऊं। ढाई लाख बंद कर। अरे चाहे गोली कुत्ता साली। नंबर एक नंबर दो और नंबर साहब अभी तो अनर्थ हो जाता। अभी ठाकुर राज बहादुर सिंह मंगल सिंह के हाथ से मारा जाता। साहब मैं अपनी रिया की तरफ गया था, मैं वापस आ रहा था। मैं नहीं देख सका कि साला दुश्मन मेरा कहाँ छुप गया। मैं वापस आ रहा था तो साला पीछे से मेरी बंदूक छीन लिया। मेरी बंदूक लौट थी, मेरी ही बंदूक से मेरे ऊपर वार करना चाहा। मैंने सोचा सर कि मेरी मौत मंगल सिंह बन गया, मेरी ही बंदूक से मेरी मौत होने वाली। मैंने सोचा इससे साथ क्या सुलूक करूं, कि उसने कहा एक दो सर ऐसा फैड मारा, नली ऊपर हो गई, आसमानी फैल हुआ, पुलिस की सीटी बजी, साला बंदूक फेंककर इधर से भगा जा रहा है। राज बहादुर सिंह जिस वक्त मंगल सिंह फरार हुआ हमने सोचा कि मंगल सिंह कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधे राज बहादुर सिंह के यहाँ जाएगा। हम अपनी फौज के साथ बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आए और मौके पर पहुंचे, वो साला मुझसे भिड़ गया। इंस्पेक्टर साहब अब राज बहादुर सिंह का क्या होगा? राज बहादुर सिंह का क्या होगा? राज बहादुर सिंह की चैत की बंसी बजेगी और मंगल सिंह मेरे हाथों द्वारा गिरफ्तार होगा। डॉक्टर साहब मेरा दुश्मन जेल से फरार हो गया, मेरी मौत बन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे ऊपर हावी होगा। नो सर, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, हमें पुलिस फोर्स चाहिए। हवेली के चारों तरफ पुलिस रहेगी, नीचे में ठाकुर राज बहादुर सिंह रहेगा। जब साला मंगल सिंह आएगा तो पुलिस के हाथ से मारा जाएगा। घबराने कोई बात नहीं है, ये फोर्स हमेशा आपके साथ है विश्वकर्मा जी। या तो साला गिरफ्तार होगा जेल जाएगा या तो पुलिस के हाथ से मारा जाएगा। ठाकुर साहब को ही चाह रहा है जिंदगी और मौत, घबराइए नहीं सर। ओ जाओ जी, जाओ जी, नमस्कार। आप चलिए। छोड़े साहब। जी साहब। कहीं चोट तो नहीं आई आपकी? ओ नहीं साहब, चोट तो नहीं आई साहब, दौड़ते दौड़ते दो बार गड्ढे में गिर पड़े साहब। यही तो मैं देख रहा हूँ, और वो साला मुझसे भी भिड़ गया। वो देख रहा था साहब आपसे भी भिड़ गया, वो पिस्तौल निकालने का मौका नहीं पाया साहब, और मैं मंगल सिंह को बराबर देख रहा था आपसे भिड़ गया था साहब। अगर ये हमें मालूम होता
कि सचमुच में मंगल सिंह जमींदार को मारने के लिए जा रहा है तो हम एक घंटा लेट आते। क्यों? इसलिए कि जमींदार का काम तमाम हो जाता, खत्म भी अच्छी बात। जब देखो यह पुलिस प्रशासन जमींदार मंगल सिंह और जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। थोड़े साहब ऐसी बात मत सोचिए, मंगल सिंह के ऊपर कड़ी निगाह रखें और हमेशा दो पुलिस की ड्यूटी साहब। हम घर जाते हैं, जब मौका पड़ता है तब तुम घर जा रहा है, घर जा रहा है। साहब हमारे घर से संदेश आया हुआ। साहब संदेश आया है? हाँ। कोई मामला हो गया क्या? साहब बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है ना? क्या खुशी की बात है? साहब घर जाओ, हमारे नानक बियाह पर अब। इसकी नानक शादी अब हो रही है। चौकीदार, तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है? हाँ। तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है? हाँ साहिब। चौकीदार, जब तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है हाँ? तो तेरी माँ तो पैदा नहीं हुई होगी, तो तू कहाँ से आ गया? बोलो चौकीदार, कहाँ से आ गया? नहीं साहिब, हमारे नाना के यहाँ हमारे मामा की शादी। ऐसा बोलो कि नाना के यहाँ मामा की शादी पड़ी है। साहब हम जावे, खुशी की बात है। वो खुशी की बात है, आज वह विदाई है। तो क्या करने जाएगा? आज विदाई है। हाँ। क्या करने जाएगा? तो फिर क्या करने जाएगा? कल बारात जाए। देखिए साहब, कल बारात जाएगी, परसों माए न है। सोचिए साहब। चौकीदार जी, पहले मायन पड़ता है कि पहले विदाई पड़ती है? मारूंगा 2500 लाख, अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। गलती हो गई साहब, छुट्टी ले लेंगे चौकीदार। चलो साहब। क्या हुआ चौकीदार? जी साहब। ये बताइए, तेरे दिमाग में भूसा भरा है? नहीं नहीं। ये बताइए, जब तुम्हारे नाना के यहाँ तुम्हारे मामा की शादी पड़ी है जी, तो बताइए कि पहले मान पड़े पहले बारात जाएगी? गलती हो गई देवरान जी, पहले दिन मान पड़ेगा, दूसरे दिन बारात जाएगी जी। अब विदाई तीसरे दिन होगी, तो पहले दिन विदाई? जल्दी आइए, छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो साहब, हम आधा पगला वही है, शादी पड़ी है मामा का, हम कहीं नानक पड़ी है, साला हमारा माथा खराब है। हाँ माथा माथा। अरे सजावा से हो गए सवेरे कजूला बलम हम सी मांगई, सजावा से हो गई सवेरे कजूला बलम हम सी मांगई, सुरतियल चूना बलम हम सी, सुरतियल चूना बलम हम सी मांगई, सूरत भगवान। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो जमींदार हमें जान से मरवा डालेंगे पुलिस वालों से मिलकर के, इसलिए कि शासन प्रशासन बड़ों के लिए है, हम जैसे गरीब के लिए रहे। मेरे घर में आग लगी, मेरे दो दो बच्चे जल गए, मेरे बीवी को जान से मार डाला गया, कोई पुलिस वाले दरवाजे पर नहीं गए। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो हो सकता है कि ये जमींदार इनसे मिलकर मरवा डालेंगे, इसलिए अब हम जैसे गरीबों का दुनिया में जीने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। भगवान मैं कहाँ जाऊँ, घर में आग लग गई, रहने का ठिकाना नहीं, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? भगवान है मुझे कौन बान हंसा करा था बसेरा, कौन बान महालिया में दियना जलाते हैं, सबकी महालिया में दियना जलाते हैं, हमारी झोपड़िया में बिल्कुल अंधेरा, कौन बान लेखा बसेरा, कौन बान
भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने सोच लिया कि हम जैसे गरीबों को दुनिया में जीने के लिए केवल एक रास्ता है। अब यहां से मैं जाऊंगा चंबल घाटी। अगर चंबल में सहारा मिल गया तो जमींदार साहब जैसे मेरे दो दो बच्चे को तुम जलाए हो, जैसे मेरे दोनों बच्चे तड़प कर इस दुनिया से गए हैं, वैसे मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा ठाकुर। मैं लौटूंगा कब, जबकि उस काबिल हो जाऊंगा। अब यहां से मैं भाग कर जा रहा हूं चंबल घाटी। जय माँ भवानी की। साथियों, क्या बात? तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कितने सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। अगर हम इस गुफा में रहते हैं तो इस गुफा का पूरा रास्ता पुलिस वालों को मालूम हो चुका है। अगर हम इस गुफा में रहते हैं तो पुलिस के हाथों पड़ कर बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए चलो हम इस गुफा को बदल दें, आगे दूसरी गुफा में चले। चलो आगे बढ़ो। बोलो माँ भवानी की। यह मालिक, मैं परेशान हो गया चंबल के खूह में चारों तरफ की होते हुए, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ जाऊँगा? बस एक झरना दिखाई दे रहा, पानी उसी चल रहा हूँ, पानी पीऊँगा झरने पे और आराम करूँगा, उसके बाद यहाँ से फिर कहीं जाऊँगा। अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। क्या तो साफ साफ बता, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहने वाले हो, आने का क्या कारण है? साहब, मैं जरूर बताऊंगा। अगर नहीं बताओगे तो हमारे आदमी तुम्हें जिंदा जला देंगे। क्या बात, ये हराम ज्यादा हमें पुलिस का आदमी मालूम पड़ता है। नहीं साहब, ना मैं कोई पुलिस का आदमी हूँ, ना कोई जासूस हूँ। मैं मुसीबत का सताया हुआ आपकी शरण में आया हूँ साहब। हम लोग तुम्हारे इस बहकाए में नहीं आ सकते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि तुम कौन हो। साथियों, क्या बात? ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। ये पुलिस वाला है आया, ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए, और एक दिन ले जाएगा ये चक्की चलाने। रामचादे, साथ साथ बता, अगर झूठ बोला तो पुलिस का आदमी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सुनिए। और आप करिए यकी, आप करिए यकी। क्या यकी करूं? आप करिए यकी, आप करिए यकी, और मैं पुलिस का कोई आदमी हूँ नहीं। किस तरह बात तेरी का? किस तरह बात तेरी का कर लूं यकी? आपका पता मिल गया, जब तू ले लिया तो किस लिए ठहरा रहा? और जान कर प्यारी तुझे तो साफ दे मुझको बता, और वरना चाहता अधम को तू कर ले। आप करिए यकी, आप
तू पुलिस का आदमी नहीं है तो कौन है साफ साफ बता। अगर तुम अपनी सच्चाई हम लोगों के सामने प्रकट करोगे तो हम लोग तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। क्यों साथ? ठीक है, मेरी गुजरी हुई कहानी सुन ली जाए, उसके बाद हमें आपके नजरों में जो आए सो कीजिएगा। ठीक है, बताओ। साहब, आज के काफी दिनों की ये बात है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ साहब। अहमदाबाद के रहने वाले? हाँ, अहमदाबाद से थोड़ी दूर पर एक करैनी गांव है जहाँ पर कुछ ठाकुरों की बस्ती है, मैं जात का ठाकुर हूँ। करैनी गांव हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक जमींदार राज बहादुर सिंह थे, और साहब उनके एक छोटे भाई जिनका नाम ठाकुर जतन सिंह था। तो क्या? और साहब बहुत मैं गरीब परिवार का हूँ साहब, मेरे पिता को जमींदार ने जहर दे करके मार डाले थे साहब। पिताजी हमारे उन्हीं के यहाँ पर पहरेदारी करते थे, कोई गलती हो गई, मेरे पिता को जहर दे करके जमींदार ने मार डाला साहब। उसके बाद क्या हुआ? मैं और मेरी एक छोटी बहन थी, जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरी माँ ने मेरे सीने पर शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान बनवाई साहब। देखिए, ये रहा साहब। साथियों, ये बात तो सच है, इसके सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हुआ। साहब, मेरी माँ ने किसी तरीके से बहन भाई को पाला, मेरी बहन सयानी हुई साहब, मैंने शादी नहीं कर पाया था, इसके पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी बीबी की गोद में दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए साहब, और वो मेरे दोनों बेटे 3 महीने के छोटे छोटे थे, उन्हीं को और अपनी बहन को साथ मिलवा करके शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर पर मेला लगा हुआ था, उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं गया था साहब। तो मेरी बहन ने कहा, भैया मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊँगी, और मैं दोनों बच्चों के सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बनवाने लगा, गुदने वाले के पास बैठकर मेरी बहन जल चढ़ाने गई, वहीं पर जमींदार के छोटे भाई जतन सिंह घोड़े पर सवार घूम रहे थे, और मेरी बहन को जबरदस्ती साहब पकड़ करके और मेले से घसीटते हुए मंदिर से कुछ दूर ले जा करके उसकी इज्जत बर्बाद कर डाला। इतना बड़ा शिव जी के मंदिर पर ये बहुत अत्याचार साहब। क्या हुआ? मेरी बहन खून से लहूलुहान होती आकर मेरे पास इतना ही बता पाएगी, भैया मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत जमींदार के छोटे भाई ने बर्बाद कर डाला। इतना कहकर मेरी छोटी बहन भगवान को प्यारी हो गई साहब। उस बेचारी ने अपना प्राण त्याग दिया। जब वो मर गई, लाश को उठाकर मैं जमींदार की हवेली पर गया कि बाबू साहब तुम्हारे छोटे भाई ने देखिए मेरी बहन की आबरू बर्बाद कर डाले हैं, इसका न्याय होना चाहिए। तो ठाकुर साहब ने कहा है कि वो तो लौंडा है, लौंडा ही कर गया, मर गई तो मर जाने दो। कहने तो जमींदारों का कारोबार है। इतना बड़ा आतंकवादी हो गया है। और उसने कहा कि बोलो तुम्हारी बहन की क्या कीमत। साहब मैं इज्जत बेचने गया था वहाँ पर, मेरी लूटी हुई बहन की कीमत रुपए से चुका। हाँ साहब, क्रोध लगा कि मैं जमींदार को मार डालूं। इतने में उनका छोटा भाई जतन सिंह अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचा, और देखते ही उसे मेरा खून खौल गया, मैंने उठाया तलवार और जमींदार के छोटे भाई जतन सिंह को दुनिया से मिटा दिया। फिर तो तुमने अपनी बहन की इज्जत का बदला चुका लिया। उसके बाद साहब जाकर के थाने में जमींदार ने कंप्लेन किया, इंस्पेक्टर साहब पूरी फोर्स के साथ पहुंचे और मुझे गिरफ्तार किया साहब। उसके बाद क्या हुआ? मैंने खून का इल्ज़ाम कबूल किया कि मैंने मारा, और मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साहब। तो कैसे तुम रिहा हो गए? हमें तिहाड़ जेल ले जा रहे थे कि ले जाकर इसको उस बड़ी जेल में डाल दो। हाँ। मौका पा करके 15 अगस्त की कहानी है साहब, जब मैं जेल में चला गया तो मेरे दोनों बच्चे और मेरी बीबी अपने झोपड़ी में किसी तरीके से गुजर कर रहे थे, जमींदार ने मौका पाकर मेरी झोपड़ी पर गए और मेरे घर में आग लगा दिए साहब। आग लगा, दोनों बच्चे जलकर साहब राख हो गए, जिनके सीने पर मैंने शंकर भगवान का त्रिशूल बनवाया था। अपनी लाज अपनी इज्जत के लिए मेरी बीबी ने घर छोड़कर भागी, और जमींदार ने दौड़ा कर मेरी बीबी को गोली मारा साहब। ये 15 अगस्त की कहानी है, जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ उसी तारीख को मैं बर्बाद हुआ साहब। एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? साहब मैं करैनी मौजा का रहने वाला
जात का ठाकुर, नाम मेरा मंगल सिंह है साहब। ओ मंगल सिंह तुम ही हो? हाँ साहब। साथियों क्या बात, उस दिन जब हम लोग होटल में पेपर पढ़ रहे थे यही खबर सही है, और उसमें लिखा हुआ था मकान मालिक का नाम मंगल है, मंगल सिंह, तो क्या तुम वही मंगल हो? वही बदनसीब मंगल सिंह साहब, मुझे शासन प्रशासन जीने नहीं दे रहे हैं साहब, इसलिए अपना जान बचा कर। मंगल सिंह तुम पुलिस वालों के हथकंडे से कैसे बच निकले? आपकी शरण में आया साहब, मुझे ले जा रहे थे माया भगवान की हथकड़ी ढीली हुई और मैं गाड़ी से कूद करके भागा साहब, और भाग कर आपके पास आ रहा। तभी तो ये कैदियों के दृश्य। तो मंगल सिंह तुम घबराओ नहीं, अब यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बाका कर पाएगा, पुलिस वाले यहाँ आएंगे तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अभी तक तुम्हें लोग केवल मंगल सिंह के नाम से पुकारा करते थे और जानते थे, आज से आप डाकू सरदार मंगल सिंह के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, सरदार मंगल सिंह। बताओ साथियों अब हमें क्या करना होगा? तुमने सहारा दिए तो पहले आप चले गुफा में, वहां पे हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे हुए हैं, आप उसे धारण कीजिए, उसके बाद तो हमारे इस गैंग के सरदार आप हैं, आप जो हुक्म देंगे वही हम और हमारे साथी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत अच्छा, माँ भवानी तुम्हारा सहारा। बोला माँ भवानी की। आइए सर। सेठ जी राम राम। जय राम जय राम। देखा मुंडा, जोन लड़का पढ़ुआ पाए रहे जेके नाम विनोद कुमार रखे रहे, अब बड़वार हो गया है, पढ़त लिखत है लेकिन हमसे कुछ नहीं बताए का पढ़त है का लिखत है। जवान है आप का बताइए भैया हो, अगर तो का दिखा है तो कह दिया तोरे बाबू तो का याद करता। ठीक है सेठ जी है, कहा थे को बीड़ी ले होता पियोते बचवा। इतना बड़ा सेठ है तोरे धन दौलत कमी नहीं ना, मतलब बीड़ी मांगी मांग के पिया थे। हाँ करी बिंडल खोल दी, बड़ा घाटा लागत बचो तोहरे किया हम रोज आई जाई था न, तोहरे हम गोले में कभो एक बीरा पान देखे न मोहे में चप्पल नहीं यार, मोहे में पान का करा जोन खाए पिए यहाँ वैसे तो किलो का भी होगा। अब हाँ एक बीड़ी दे था कम से कम बुतौबिया फिर लसबा तीन दाँ पीबिया कम से कम, पैसा बड़े जो गए को हो दी बचवा। बैठा बैठा, खबर नहीं देव आपके लड़के से अगर हमका मिल गए तो। ये कैसे बैठा था कुर्सी पर? अरे गोलवा नीचे कह लिया, गोले माटी लाग जाए तो। गोले माटी लाग जाए कभो बैठा है नीचे करे को घोड़ी की चूतिया बैठ गया जैसे लंगूर बांदर बैठा रहा। और विनोद भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, और तो ठीक है ना? ठीक है भैया, ये बताइए पिताजी क्या समाचार है? आपके पिताजी आप ही की याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए पिताजी से आज मैं ही मुलाकात करूँ। बहुत जल्दी आइए। चलो चरण चूमता हूँ पिता जी। हाँ मैं जानना चाहता हूँ
आज आप मुझे याद क्यों किए? क्या बात है? खुश रहो बेटा सदा मेरे प्यारे। खुश रहो बेटा सदा मेरे प्यारे लाल। और बुलवा मैं कहता हूँ अभी तलक बेटा तुमने ना बातें कोई बताई। घर लाऊं एक सुंदर बहू मैं करके तेरी सगाई। सही मैं हाल बताया न कुछ भी तुमसे छुपाया। बता दे अपना हाल और इसी सबब से बुलवाया हूँ तुझको मेरे लाल। मुन्ना इतना दिन से पढ़त लिखा था लेकिन हमसे कुछ नहीं बताया। का पढ़ता ही का लिखता ही तनी कुछ हमहू से बता दे मुन्ना। पिताजी मेरी गलती को क्षमा करना। बात सच है आज दिन तक आपसे मैंने अपने दिल की बातें कोई बताया नहीं। पिताजी आपके आशीर्वाद से आज मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया हूँ। डॉक्टर? जी हाँ पिताजी। और कल ही अहमदाबाद सरकारी अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करना है पिताजी। धन्य भगवान जैसे हम सोचे रहे वैसे आज हमारा मनोकामना पूरी कर दिया भगवान। मनोकामना नहीं बल्कि हैजा पूरी के मनोकामना। मनोकामना सहूर हो बुढ़ावे ना। ठीक है मुन्ना अगर आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का फर्ज क्या होता है? पिताजी मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर का क्या फर्ज होता है? बेटा डॉक्टर का फर्ज होता है जिंदगी देना, किसी मरीज की जिंदगी लेना नहीं। ठीक है पिताजी। यार कोई भी मरीज आ जाए तो उसको बचाने की कोशिश करना, मारने की कोशिश मत करना। बहुत अच्छा है। और एक बात और ध्यान देना बेटा। कौन सी बात है? समय से ड्यूटी पे जाना और समय से आना। ठीक है। और तीसरी बात डॉक्टर के लिए बिल्कुल अवैध है। क्या चीज पिताजी? नशाखोरी, नहीं तो गांजा भांग अफीम चर्स कोकीन हीरोइन इन सब के चक्कर में अगर आप रहेंगे कोई सीरियस केस आ जाएगा तो आप उसको बचा नहीं सकते हैं। पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, आप इसके लिए चिंता न करें, मैं आपके हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, पिताजी तो ठीक है मुंडा, स्नान करके भोजन कीजिए और आप अपनी ड्यूटी पे जाइए। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ पिताजी। जा बेटा खुश रहो। अब हम पोल खोलब खोलब पोल सब वो काम खियोबे ना कर अब पिताजी। हाँ क्या बात है, कैसा पोल खोलने वाला है? अरे भैया ये बनिया मामला है मुन्ना, नवा गुड़ आया है बोरिया में बंद है। कहता है कि हम का नौकुआ गुड़ खियावा मोढ़ा खोला हो का। हम कहते हैं पूरा नहीं भेली तो खा भैया नवा गुड़ खोल देवा अषाढ़ का महीना सब्सिडी आए के सत्यानाश हुई है। हाँ पिताजी आप ठीक सोच रहे हैं। क्यों जी यही बात है, यही पोल खोलने वाले। हाँ भैया आप अगर तुम्हें गुड़ खाने की इच्छा है पिताजी जो तुम्हें गुड़ खिलाए उस गुड़ को खा लिया करो, जिद मत किया करो। मैं जा रहा हूँ पिताजी। जा जा बेटा जा खुश रहो।
अब तो हाँ इज्जत बचावत ही हम हमार अब कह दे भैया तो कह परुआ पाए नहीं ए जहरील सुन हाँ विनोद हमारे बर्बाद हो गए पल्ली के डॉक्टर बन गए हाँ। अपने पैर पर खड़ा हो गया है हाँ। अब हमका कोनो चिंता है नहीं तो? अब ज्यादा लपर लपर करेगा ना हाँ। तो जो तो चुरो कहे वो न खिया जान ले